Hey everyone, welcome back to my channel. So as you guys must have seen in my title, today we are gonna make kheer. So इसे खीर बोलते हैं, इसे फिरनी बोलते हैं, इसे राइस पायसम बोलते हैं, इसे पायसम बोलते हैं, इसे राइस पुडिंग बोलते हैं. This is a delicious recipe, so you guys should try. और अगर अच्छी नहीं लगी ना, इसी तरीके से बनाइएगा. और अगर अच्छी नहीं लगी ना, तो वापस से आके मेरे वीडियो के कमेंट में ना कोई हेट कमेंट कर देना. तो सबसे पहले हमने ले लिया है बासमती चावल. 1/4 कप लिया है हमने बासमती राइस. और इसको हमने एटलीस्ट 1 आवर के लिए सोक करके रखा हुआ है पानी में. और हमने इसको एक बार मिक्सर में घुमा लिया है. अगर आप चाहें तो ना घुमाएं, हमने घुमा लिया इसलिए ताकि ये जल्दी कुक हो जाए. सो घुमा लेना इज़ बेटर. और उसके बाद इसका पानी निकालते हैं, पानी को अलग करते हैं. और जो बचा हुआ राइस है, ज़्यादा नहीं घुमाना है आपने, बस एक बार घुमाना है कि वो चावल जो है ना बस टूट जाए. थोड़ा पाउडर नहीं बनाना आपको. तो ये होंगे हमारी खीर की रेसिपी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट. तो नाउ अदर इंग्रेडिएंट्स आर इलायची पाउडर, सम चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले लें, काजू ले लें, पिस्ता ले लें, किशमिश ले लें, जो भी आपके फेवरेट ड्राई फ्रूट्स हों आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें. प्लस इसमें शुगर लेंगे हम. शुगर मैंने यहाँ पर ली है 5 to 6 tablespoons ली है. 5 to 6 tablespoons, दैट दोज मेजरिंग स्पूंस, जो मेजरिंग स्पूंस आते हैं ना, वो बड़े वाले चम्मच लिए हैं, 5 से 6 बड़े चम्मच लिए हैं. आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट. अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा शुगर यूज़ कर लीजिए. अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप कम शुगर यूज़ करिए. तो ये चावल देख रहे हैं आप, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है हमने. हमने बस इसको एक बार घुमा दिया कि ये टूट जाए थोड़ा, दैट्स इट. और हमने मिल्क लिया है 1 लीटर. सो अब हम मिल्क को अपने बर्तन में डाल देंगे. यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन यूज़ किया है, आप कोई भी वैसे यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस आप इसमें बना रहे. ओके, दूध को हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है. लाइक बॉईल होने के बाद, जब वो बॉईल होने लग जाए मिल्क आपका, तो हम उसमें अपने चावल ऐड कर देंगे. जब हमने चावल को तोड़ा था मिक्सर में घुमा के, उसे हम दूध में ऐड कर देंगे और उसको चलाते रहेंगे. अदरवाइज़ अगर आप छोड़ देंगे तो चावल नीचे जाकर चिपक जाएगा एंड फिर उसको ठीक करना, लाइक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट. अब कंटिन्यूसली अपने दूध और चावल को चलाते रहिए जिससे कि चावल नीचे चिपके नहीं. इस पॉइंट पे आप इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए. अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो 3-4 इलायची को लेकर, छोटी वाली जो हरी इलायची आती है उसको छील कर, उसको कूट कर किसी भी चीज़ से आप वो भी डाल सकते हैं. इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम दूध को थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे. लाइक इसे हमें तब तक पकाना है जब तक चावल दूध सब मिक्स होके एकदम थिक ना हो जाए. जब तक के तब तक हमें इसे अच्छे से पकाते रहना है. और इसका फ्लेम हम रखेंगे लो या तो लो मीडियम के बीच में. अब ये खीर देखिए हमारी गाढ़ी हो गई है. अब इस पॉइंट पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे. शुगर हमेशा आप बाद में ही ऐड करिएगा. और शुगर जब आप ऐड करेंगे तो शुगर मेल्ट होगी खीर में जाकर, तो अगेन वो थोड़ी पतली हो जाएगी. फिर से हमें उसे पकाते रहना है और थोड़ा गाढ़ा फिर से दोबारा से करना होगा. तो अभी इसको कंटिन्यूसली चलाते रहिए इसमें चम्मच और पकाइए इसको लो मीडियम फ्लेम पर या फिर लो फ्लेम पर. तो अब मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था, वो है खोया. इसे मावा भी कहते हैं. और ये खोया है, ये अनस्वीटेंड खोया है. 100-200 ग्राम्स का ये पैक है. और इसमें से मैंने आधे से
थोड़ा कम यूज़ किया है, लाइक आई हैव यूज्ड अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 ग्राम्स ऑफ सोया। उसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और उसको फिर मैं ऐड कर दूँगी। कद्दूकस किया हुआ है ताकि वो जल्दी मिक्स हो जाए, इसे ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है खीर में, टेस्ट भी अच्छा आता है और बहुत ही क्रीमी सी दिखती है हमारी खीर, एंड इट टेस्ट रियली गुड। तो ये देखिए हमारी खीर रेडी हो गई है, ये बिल्कुल अगेन गाढ़ी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी चावल, दूध, खोया, ड्राई फ्रूट्स सब कुछ आपस में मिक्स हो गया अच्छे से, एंड इट इज़ रेडी। नाउ इट्स टाइम टू डिश इट आउट। तो चलिए अब हम लोग इसे डिश आउट करते हैं, और डिश आउट करने के बाद इसे हम लोग ऊपर से ड्राई फ्रूट्स, और अगर आपके पास डेजिकेटेड कोकोनट है वो, उससे हम लोग इसे ऊपर से गार्निश करेंगे ताकि देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगे। खाने में तो नो डाउट इट इज़ वेरी टेस्टी और देखने में भी अच्छी लगेगी। फिर तो अब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करिएगा खीर की, और मुझे कमेंट सेक्शन में वापस आके ज़रूर बताइएगा आप लोग की कैसी बनी, क्योंकि मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी। इसमें मैंने अपनी तरफ से ये खोया वोया ऐड करके कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश की थी, एंड दैट आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ़ यू गाइज। सो एंड आई वुड लव टू नो द फीडबैक फ्रॉम यू गाइज अबाउट दिस रेसिपी, and that's it from my side. Thanks for watching, and agar aap mere channel pe first time aaye hain video check out karne, so don't forget to subscribe to my channel, and don't forget to hit that bell icon near the subscribe button so that you get notified every time when I upload a video and you don't miss out on anything that I share. So guys, until the next video, stay tuned, take care. Bye-bye.